हाँ जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से लॉन्च किए गए नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। टेक्नो की तरफ से टेक्नो केमॉन 19 सीरीज ऑफिशियली रिवील कर दी गई है और इस सीरीज में ढेर सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं। टेक्नो केमॉन 19 है, टेक्नो केमॉन 19 प्रो है, टेक्नो केमॉन 19 प्रो 5G है एंड टेक्नो केमॉन 19 नियो भी है। चार स्मार्टफोन आई थिंक लॉन्च किए गए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G स्मार्टफोन के बारे में। टेक्नो केमॉन 19 प्रो 5G में आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर दिए गए हैं, क्या कुछ नया है, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है एंड इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आ सकता है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी एज ऑलवेज प्लास्टिक आपको दी गई है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, ग्लास फ्रंट है, कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन है नहीं बताया गया है एंड बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से आपको डिसेंट मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करेंगे तो बैक पैनल से दिखने में फोन अच्छा है। सबसे पहली बात, फोन का जो अपर हाफ है वो आपको मेटालिक फिनिश या ग्लॉसी फिनिश पर देखने के लिए मिलता है एंड जो बॉटम हाफ है वहां पर आपको मैट फिनिश देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा मिक्स्ड डिजाइन यहां पर दिया गया है। बैक पैनल में आपको टॉप लेफ्ट में डुअल रिंग में कैमरा सेटअप दिया गया है, दो कैमरा रिंग है, एक में एक कैमरा है, एक में दो कैमरा है, साथ ही में एलईडी फ्लैश मिल जाता है। नीचे की तरफ फोन में आपको टेक्नो की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्प्ले दिया गया है, बहुत ही पतले पतले से बेजल्स यहां पर आपको मिलते हैं और बहुत ही पतली सी चेन आपको देखने के लिए मिलती है एंड कलर्स की बात करेंगे तो ब्लैक कलर में ग्रीन कलर में दो कलर ऑप्शंस में आपको फोन मिलता है। दिखने में फोन अच्छा है, दिखने में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, गुड लुकिंग फोन है एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिलती है, सो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में तो आपको शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.8 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है, काफी बड़ा डिस्प्ले है। सिंगल हैंड यूसेज तो भूल जाओ भाई, एक हाथ से तो आप यूज नहीं कर पाओगे एंड बल्कि भी आपको फील होगा, लेकिन कंटेंट वॉचिंग में मजा आएगा। 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में सेंटर पंचोल वाला आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है। यहां पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, 395 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है एंड ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो लगभग 600 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर विजिबिलिटी और आउटडोर विजिबिलिटी दोनों इस फोन की बढ़िया रहेगी, ज्यादा शिकायत आपको वहां पर नहीं आने वाली है। कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छा है, ब्राइटनेस के साथ में अच्छा है। नाउ रिफ्रेश रेट की अगर बात कर लें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहां पर आपको मिलता है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। सो डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया है, डिस्प्ले क्वालिटी ब्राइटनेस वाइज बढ़िया है, डिस्प्ले क्वालिटी गेमिंग के लिए अच्छी है, सो ओवरऑल डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 चिपसेट और 810 जो चिपसेट है ढेर सारे स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है एंड परफॉर्मेंस आपको पता है और साथ ही साथ डे बाय डे ऑप्टिमाइज भी होता जा रहा है, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू आपको कम देता है, ये काफी अच्छी बात है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, दो A76 वाले कोर्स मिलते हैं, डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बढ़िया मिलती है, उसमें आपको शिकायत नहीं आती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आर्म वाली G57 MC2 GPU मिलता है, डुअल कोर GPU है एंड गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देता है, ज्यादा शिकायत आपको वहां पर नहीं आएगी। साथ ही साथ ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके अच्छे से निपटा देता है। साथ ही साथ LPDDR4X RAM मिलेगा एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो इस फोन में आपको 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा। प्राइमरी कैमरा यहां पर आपको दिया गया है 64 मेगापिक्सल्स का और यहां पर आपको सैमसंग का एकदम नया सा RGBW सेंसर मिलता है, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट ये सेंसर यहां पर यूज किया गया है एंड शायद पहली बार किसी स्मार्टफोन में सैमसंग के इस सेंसर का यूज किया गया है एंड नाइट फोटोग्राफी इससे बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है, ऐसा टेक्नो क्लेम करता है। सो प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल्स का है, साथ ही में OIS का सपोर्ट भी यहां पर आपको दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। प्राइमरी कैमरा सॉलिड है लेकिन बाद के जो दो कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसर है, एक मैक्रो कैमरा है, डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल्स का, मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल्स का।
कुछ काम नहीं आने वाले हैं, एक कैमरा काम आएगा जो कि अच्छा दिया गया है। 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप बढ़िया यहां पर आपको मिलता है, कैमरा सेटअप में ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें, 5000mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी का साइज अच्छा है, 6 नैनोमीटर के चिपसेट के साथ में 5000mAh की बैटरी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है। बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा, बैकअप में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। बैटरी का साइज भी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है, चार्जिंग टाइम भी कम लगेगा, बैकअप भी अच्छा मिलेगा। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा डेफिनेटली मिलेगा, 3.5mm जैक गायब नहीं किया गया है, ये काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स दिए गए हैं, साथ ही में NFC का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। सेंसर्स में कोई कमी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, Android 12 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, ये काफी अच्छी बात है। उसी के साथ में मिलेगा टेक्नो का बनाया हुआ हाई OS 8.6 एंड डे बाय डे ये जो UI है ये बेटर होता जा रहा है। आज से एक साल पहले काफी ज्यादा बग्स हुआ करते थे, काफी ज्यादा ब्लोटवेयर थे, काफी ज्यादा एड्स थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके भाई बग्स भी रिजॉल्व हुए हैं, ब्लोटवेयर्स हैं लेकिन कम हैं, जो हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एड्स भी भाई ऐसा नहीं है कि भलती जगह निकल करके आ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका धीरे धीरे बेटर होता जाएगा एंड अभी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका डिसेंट रहेगा, मेरे हिसाब से ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। स्पीकर्स की अगर बात करें तो सिंगल स्पीकर्स दिए गए हैं, ये चीज मेरे को अखरी भाई कि यहां पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देना चाहिए थे, लेकिन सिंगल स्पीकर्स यहां पर आपको दिए गए हैं। ऑडियो क्वालिटी आपको एडेक्वेट मिलेगी, ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी लेकिन हाँ डिसेंट ऑडियो क्वालिटी रहेगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको मिलेगा, 2 SIM कार्ड लगा पाएंगे या फिर 1 SIM कार्ड के साथ में 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। बात करेंगे वेरिएंट्स की तो 2 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च होगा, 8GB+128GB एंड 8GB+256GB। प्राइस पॉइंट को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल करके नहीं आई है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये जो स्मार्टफोन है किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।